नमस्कार दोस्तों, मैं मनु कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मनु कोचिंग सेंटर। आज हम बच्चों 12th क्लास के फिजिक्स न्यू सिलेबस 2020-21 के बारे में बात करेंगे। जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि आपका 30% सिलेबस कम कर दिया गया है यूपी बोर्ड ने, तो आपको बच्चों अब 30% सिलेबस कम होने के बाद आपको अपने खंड खै पार्ट फर्स्ट यानी कि खंड खै और पार्ट टू के बारे में आप देखेंगे आप किस टॉपिक किस चैप्टर में से क्या क्या आपका टॉपिक कम करे गए हैं। ठीक है, टोटल आपको खंड खै में यूनिट मतलब पार्ट फर्स्ट में आपको 5 यूनिट पढ़नी है जिसमें से आपके जो टॉपिक कम करे गए हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, देखो फुल डिटेल में। विद्युत, ये पहले यूनिट का जो आपका टॉपिक है वो क्या है, स्थिर विद्युत की एक समान आवेशित पतले गोलीय खोले के भीतर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना गॉस के नियम से। ठीक है, गॉस का नियम मैंने आपको बच्चों देखो गॉस का नियम क्या होता है, गॉस के नियम के गॉस की प्रमेय होती थी उसकी सहायता से जो होता है कि एक गोला था। ठीक है, एक क्या है गोला, उस गोले के क्या क्या है आर दूरी पर उसके गोले के बाहर उसके पृष्ठ पर उसके केंद्र पर क्या निकालते थे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो आपको टॉपिक खत्म कर दिया गया है। ठीक है, आगे जानते हैं बच्चों सेकेंड यूनिट में देखो वैद्युत धारा, इसमें क्या है कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोण प्रतिरोधकता का श्रेणी तथा पार्श्वक्रम, पार्श्वक्रम को बोलते हैं बच्चों समांतर संयोजन। ठीक है, जो आपका क्या कहा है प्रतिरोधों के लिए समांतर क्रम श्रेणी क्रम था उसका फॉर्मूला क्या था श्रेणी क्रम का R=R1+R2+R3। ठीक है, और समांतर क्रम का 1/R=1/R1+1/R2+1/R3। तो ये आपके ये बच्चों दोनों टॉपिक खत्म कर दिए गए हैं। ठीक है, और आपके जो थे एक क्या कहा वर्ण, ये जो थे कार्बन प्रतिरोधकता के वर्ण कोण क्या क्या थे, जैसे कि आपने देखा होगा क्या ब्लू ब्लैक रेड ये सब बहुत सारे जो आपके थे वो आपके टॉपिक खत्म कर दिए गए जैसे सवाल भी थे आपके। ठीक है, वो आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं देखो तीसरी यूनिट में क्या है वैद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव तथा चुंबक। ठीक है, इसके अंदर बच्चों आपके सबसे ज्यादा टॉपिक खत्म करे गए हैं वो क्या क्या है, सबसे पहले क्या है चुंबक के द्विध्रुव के कारण इसके अक्षीय के अनुदिश तथा लंबवत चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता, पहला टॉपिक ये खत्म करा गया है बच्चों। जो चुंबक के द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय स्थिति के जो आर्टिकल थे वो आपको नहीं पढ़ने, वो खत्म कर दिए गए हैं। अगला क्या आपका एक समान चुंबक के क्षेत्र में चुंबक के द्विध्रुव पर बल आगुण। ठीक है, जो आपका क्या कहा फॉर्मूला आता था बल आगुण का वो भी आपके सामने अब आपको वह नहीं पढ़ना। ठीक है, आगे देखते हैं चुंबकीय अवयव, चुंबकीय अवयव भी आपको नहीं पढ़ने, और आगे चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ कौन से जैसे कि लोह चुंबक अनुचुंबक प्रतिचुंबक ये भी आपके क्या कर दिए गए खत्म कर दिए गए हैं टॉपिक के अंदर से। वैद्युत चुंबक, ठीक है, ये टॉपिक भी खत्म कर दिया गया है। आगे जानते हैं बच्चों यूनिट 4 के बारे में वैद्युत चुंबक के प्रेरण तथा प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, ये आपके बच्चों ये टॉपिक चैप्टर आपको बहुत मोस्ट था जिसके अंदर से आपके दो टॉपिक खत्म करे गए हैं। ठीक है, कौन कौन शक्ति गुणांक और वॉटिन धारा है नी प्रत्यावर्ती धारा एसी, तो ये टॉपिक के अंदर आपको बच्चों शक्ति गुणांक और वॉटिन धारा ये नहीं पढ़नी। ठीक है, और ये आपसे नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं यूनिट 5 में से वैद्युत चुंबक के तरंगे जिसे बोलते हैं विस्थापन धारा की आवश्यकता, मतलब क्या होगा विस्थापन धारा की आवश्यकता, जहां जहां विस्थापन धारा की आवश्यकता होती थी वो खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो आपको बच्चों मेरे बताई हुई बात समझ में आ गई होंगी आशा करता हूँ। आपको पार्ट फर्स्ट में जो टॉपिक आपके खत्म करे गए हैं प्रत्येक यूनिट से उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और बच्चों अब देखते हैं पार्ट टू के बारे में, देखते हैं पार्ट टू के बारे में। ठीक है, पार्ट टू में टोटल बच्चों आपकी 4 यूनिट है जिसमें से आपके पहले यूनिट का जो नाम है वो क्या है प्रकाश की, दूसरी यूनिट का नाम क्या है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वितीय प्रकृति, तीसरी यूनिट का नाम क्या परमाणु तथा नाभिक, और चौथी यूनिट का नाम क्या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति। तो बच्चों मैंने आपको देखो अब देखते हैं पहली यूनिट क्या थी प्रकाश की, इसके अंदर टॉपिक जो खत्म करे गए हैं सबसे ज्यादा टॉपिक खत्म करे हैं कौन कौन से गोले दर्पण। ठीक है, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। दर्पण का सूत्र, जो दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/f = 1/u + 1/v। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, ये टॉपिक भी खत्म, प्रकाश का प्रकीर्णन यही टॉपिक भी खत्म, आकाश का रंग आकाश का नीला वर्ण, ठीक है ये भी टॉपिक खत्म। जो क्वेश्चन बोर्ड में क्या बन कहता था आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है ये क्वेश्चन में खत्म कर दिया गया। सूर्य उदय तथा अस्त के समय आकाश में सूर्य का रक्तप होना, ठीक है रक्तप होने का मतलब क्या बच्चों, जो सूर्य एक क्वेश्चन आता था आपके बोर्ड के पेपरों में सूर्य उदय और अस्त होते समय लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, ये टॉपिक भी खत्म कर दिया गया। उसके आगे देखते हैं सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ये टॉपिक भी आपका खत्म कर दिया गया। उसके आगे क्या है आपको क्या ध्रुवण और समतल प्रकाश, ठीक है ध्रुवण और समतल
ये आपका क्या काम है, ध्रुवण और समतल प्रकाश, ये दोनों टॉपिक आपका खत्म कर देगा। बूस्टर का नियम ये भी खत्म कर दिया और पोलराइड का उपयोग, ठीक है। इससे संबंधित जो मैं टॉपिक आपको लिख रखे बताए हैं, ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना आप, ठीक है, प्रकाश की यूनिट में से। तो आगे देखते हैं बच्चों, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वितीय प्रकृति, इसमें से डेविस तथा जर्मन का प्रयोग, ये आपका टॉपिक खत्म कर दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरी यूनिट में परमाणु तथा नाभिक, जिसमें रेडियोएक्टिव अल्फा बीटा गामा कण कण या किरणें, ठीक है, और इनके गुण, रेडियोएक्टिव छः का नियम, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लोनों, द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, ये टॉपिक बच्चों आपके खत्म कर दिए गए हैं, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। आगे देखते हैं फोर्थ यूनिट में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, इसमें जेनोडायोड और वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनोडायोड, ठीक है, ये टॉपिक भी खत्म कर दिया गया है, जेनोडायोड वाला, जिसमें अर्धतरंग दृष्टिकारी था, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो जैसे कि मैंने आपको टोटल आपके पार्ट टू जो है उसके बारे में टोटल डिटेल बता दिया है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, ठीक है बच्चों, और इससे अदर जो आपको टॉपिक है वो पढ़ने हैं आपको 30% सिलेबस कम होने के बाद के, ठीक है। तो बच्चों यदि आपको देखो किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना हो तो आप मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप अपना सिलेबस डाउनलोड करके किसी भी सब्जेक्ट का देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको यूपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट का भी लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के नीचे, आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करें। बच्चों यदि आपको मेरी बताई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो मेरी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।